हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। दिस इज रणवीर सिंह द इंग्लिश टीचर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। द नेम ऑफ चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑथर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। खुशवंत सिंह एक इंडियन ऑथर रहे हैं, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को पाकिस्तान में हुआ था और बंटवारे के टाइम जो इनका अनुभव रहा था 1947 में, उसके आधार पर इन्होंने 1956 में एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये इनका बहुत ही ज़्यादा वेल नोन नॉवेल रहा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा जा चुका है और मार्च 20, 2014 को दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन खुशवंत सिंह के बारे में जो कि ऑथर हैं। आइए बात करते हैं आपके चैप्टर के बारे में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जैसा कि टाइटल से दिखाई दे रहा है कि पोर्ट्रेट क्या होता है। दरअसल एक पिक्चर के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी एक फोटो या पिक्चर जिसको हम दीवार पे टांग सकते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब ये लेडी कौन है? इन्हीं की खुद की ग्रैंड मदर। पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप को ये डिफाइन कर रहे हैं, यानी इन्होंने अपना बचपन कैसा जिया, उससे ज़्यादा जब इनकी एज बढ़ी तब इनके साथ रिलेशनशिप कैसे थे दादी के साथ, उसके बाद कैसे थे। तो उस रिलेशनशिप की 3 स्टेजेस को इस चैप्टर में ये डिफाइन करते हैं। तो अभी इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से, आइए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ, जैसे कि सभी की दादी माँ होती हैं, वैसी ही वो एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो पिछले 20 वर्षों से बहुत ज़्यादा ओल्ड यानी कि बुजुर्ग और रिंकल्ड यानी कि चेहरे पे उनके बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं। पिछले 20 वर्षों से वो उनको ऐसे ही देख रहे थे। दैट आई हैड नोन हर, कि पिछले 20 वर्षों से जैसा मैं उन्हें जानता हूँ वो बिल्कुल ऐसी ही थीं। कैसी थीं? बहुत ज़्यादा ओल्ड और रिंकल्ड फेस। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते हैं कि कभी वो बहुत ज़्यादा यंग और खूबसूरत हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन आज जैसा कि मैं उनको देख रहा हूँ 20 साल से लगातार, तो उनको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि कभी वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी रही होंगी या उनके कभी हस्बैंड भी होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट तस्वीर जो टंगी हुई थी ड्रॉइंग रूम में, मेंटल पीस एक जगह होती है जहाँ नीचे आग जलाई जाती है, अंगीठी, उसके ऊपर की जगह उसकी दीवार, वहाँ पे वो उसकी तस्वीर टंगी हुई थी दादाजी की। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने पहने हुए थे एक बहुत बड़ी सी पगड़ी, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले से कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से उनकी चेस्ट कवर हो रही थी। बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट का मतलब चेस्ट का ऑलमोस्ट अधिकतर हिस्सा कवर हो रहा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनकी उम्र कम से कम 100 वर्ष की प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि इनके कभी कोई वाइफ रही होंगी या कोई के बच्चे रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी एज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी उसमें। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे दिख रहे थे कि इनके तो सिर्फ बहुत, एक दो नहीं, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे या कि नाती होंगे, इनके नाती पोते होंगे, क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रटी, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में कि वो सुंदर हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी, यह विचार कैसा था? बिल्कुल पूरी तरह रिवोल्टिंग, यानी यकीन करने लायक था ही नहीं, अनबिलीवेबल। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। वो अक्सर हमें कुछ गेम्स के बारे में बताया करती थी।
सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो गेम कौन से थे कि जिनको वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड, वो हमें कैसे प्रतीत होते थे, एब्जर्ड बड़े बेतुके से, अनडिग्निफाइड अशोभनीय, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था ऑन हर पार्ट उनके उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस, और हम उनको किस तरह से सुनते थे, जैसे किसी की कहानियों को हम सुन रहे हैं, प्रोफेट्स यानी किसी भविष्यवक्ता की हम कहानियों को सुन रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको एंटरटेन किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर फर्स्ट पैराग्राफ, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ डिस्कस सेकेंड पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा कैसी थी, शॉर्ट यानी कि कद उनका नाटा था, एंड फैट हैवी थी, भारी थी मतलब फैट मतलब मोटी थी वो, एंड स्लाइटली बेंट और हल्की सी उनकी कमर झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका चेहरा कैसा था, क्रिस क्रॉस एकदम क्रॉस हो रहा था, किससे, रिंकल्स से, रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ चेहरे पर, तो चेहरे पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थीं कि वो एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कहीं से कहीं तक फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी कि नहीं, हम पूरी तरह निश्चित थे कि वो हमेशा ऐसी ही होंगी जैसा कि हम उन्हें देखते रहे हैं, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। कैसा जानते हैं, पिछले 20 वर्षों से वो देख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उन्होंने पहले तो देखा ही नहीं वो कैसी थी। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि शायद इससे ज़्यादा वो बुजुर्ग और नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और पिछले 20 वर्ष से शायद उनकी उम्र एक ही जगह पर ठहर गई है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। अब देखिए, ये सेंटेंस बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसमें। एक तरफ तो ऑथर कह रहे हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो बहुत खूबसूरत कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन उसी के अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। एक तरफ मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाँ कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकली उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं, नाटा कद है, मोटी हैं और देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो फिजिकली वो सुंदर नहीं है, प्रेटी नहीं है, लेकिन अपने किरदार से बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो। अब कैसा था उनका किरदार, ये आगे इसमें दिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप देखें, इसके बीच में एक सेमी कॉलन आया है। सेमी कॉलन अक्सर हम वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ अपोजिट बात हमको कहनी हो, जैसे कि पहले में एक कॉन्ट्राडिक्शन आया, पहले में कह रहे हैं वो सुंदर नहीं थी और दूसरे में कह रहे सुंदर थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कॉलन का यूज किया गया। आइए देखते हैं हम सुंदर कैसे थे। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड उनकी चाल के लिए कहा गया है, जो वो थोड़ा जैसे हिल हिल के चलती थी उस तरह से। अबाउट द हाउस, घर में चारों तरफ, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट का मतलब यहाँ सफ़ेद कपड़ों से है, यानी इतने सफ़ेद वो कपड़े पहना करती थी कि उस पर एक भी दाग नहीं होता था। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पर रखा रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, एक हाथ बैलेंस बनाने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। अब रोजरी क्या होती है, रोजरी होती है माला जो जपी जाती है, आपने देखा होगा कि लोग जो माला जपते हैं उसको रोजरी हम बोलते हैं, और बीड्स होते हैं उसके जो उसमें मोती होते हैं उनको हम बीड्स बोलते हैं। तो एक हाथ उनका उनकी कमर पर रखा रहता था बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा हाथ उन मोतियों को घुमाता रहता था माला की। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यहाँ बोला गया उनके बालों के लिए। सिल्वर क्यों, क्योंकि उनके बालों का कलर एकदम सफ़ेद है। वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके पीले चेहरे पर फैले हुए थे, पकर्ड फेस, मुरझाए हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा मूव होते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर में, कि जो वो प्रे करती रहती थी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती थी। यस सी वाज ब्यूटिफुल, बिल्कुल हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो इतनी सुंदर थी, ऐसी थी जैसे कि विंटर लैंडस्केप, माउंटेन्स में जैसे बर्फ़ पड़ जाती है तो चारों तरफ एकदम शांत और बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी,
एक फैलाव पूरी प्योर और वाइट सेरेनिटी का, एकदम शांत स्थिरता वहाँ दिखाई देती है। एक बड़ी प्लीजिंग उससे, एक बड़ा प्लीजिंग उससे फीलिंग क्रिएट होती है, बहुत अच्छा लगता है उसे देख करके। तो ऐसे ही वो एकदम वाइट कपड़ों में वहाँ घुमा करती थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा शांति और एक संतोष दिखाई देता था। तो वैसा ही हम लैंडस्केप, माउंटेन्स की लैंडस्केप वगैरह देखते हैं तो बड़ा हमें बहुत प्लीजिंग फील होता है, वाइट बहुत अच्छा लगता है देखने में और बड़ी शांति हमें मिलती है। तो यहाँ उनके किरदार को कंपेयर किया गया है एक माउंटेन्स की लैंडस्केप से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार दोनों साथ साथ थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, वो सुबह सुबह अपनी प्रेयर को लगातार एक ही लय में गा करके सुनाया करती थी। कब? जब वो मुझे नहलाती थी या जब वो मुझे तैयार कराती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, वो इस उम्मीद में रहती थी कि मैं इसको दिल से सुनूंगा और उसको दिल से सीखूंगा, उसके बारे में जानूंगा। आई लिसन, मैं उसे सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी कोई टेंशन नहीं ली उसको सीखने के लिए, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट को लेकर आती थी। लकड़ी की स्लेट, पहले बचपन में पुराने समय, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है, लैपटॉप से पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं, लेकिन पहले लकड़ी की तख्तियाँ हुआ करती थी जिस पर मिट्टी या चौक या खड़िया इनको घोल करके बनाया जाता था, जिससे उस पर लिखते थे। तो वो लेके आई क्या, वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट को, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले से धो करके रखा हुआ था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीली मिट्टी से उस पर पहले से एक प्लास्टर जैसा उस पर कर दिया था। और क्या लेके आई, ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और छोटी सी मिट्टी की दवात, स्याही रखी जाती थी उसमें। एंड ए रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन था। रेड कलर का पेन, ये वाला पेन तो नहीं होगा जो हम यूज करते हैं, उसका कलर रेड होगा लेकिन होगा उसी से लिखने वाला। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक साथ बांधा और मुझे हैंड ओवर कर दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, अब देखिए ब्रेकफास्ट कैसा हुआ करता था उस समय, और वो बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट था उस समय उनके लिए, क्योंकि वो फिजिकली लेबर किया करते थे। आजकल हम लोग फिजिकल लेबर नहीं करते हैं। क्या था ब्रेकफास्ट में, थिक यानी कि मोटी, स्टेल बासी चपाती, रोटियां कैसी, मोटी और बासी यानी कि रात की। अब उनको खाया कैसे जाता था, विद ए लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया, एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, और थोड़ा सा उस पर सुगर यानी कि शक्कर या चीनी को फैला दिया। रात की बासी रोटियों को उठाया और उस पर मक्खन लगाया, ऊपर से थोड़ा सा सुगर या चीनी को फैला दिया गया, उनको खाया। वी वेंट टू स्कूल, ये सब खा करके हम दोनों स्कूल चले जाते थे। हम दोनों का मतलब दादी भी साथ जाती थी। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अब वो अपने साथ कुछ और चपातीज भी लेकर जाया करती थी गांव के कुत्तों के लिए। अब यहाँ से देखिए इनका बचपन उनके साथ कितने अच्छे से गुजर रहा है, और एक एक मोमेंट पर दादी उनके साथ है, इवन के स्कूल जब वो जा रहे हैं तब भी वो उनके साथ हैं। तो दादी नहीं है वो, एक बहुत अच्छी इनकी फ्रेंड बन चुकी है। तो ये तो था इनका चाइल्डहुड का। अभी आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ जाया करती थी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल मंदिर से ही अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वहाँ पर जो पुजारी थे वो हमें सिखाया करते थे वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, जब बच्चे बरांडे के दोनों साइड में लाइन से बैठ करके अल्फाबेट
या मॉर्निंग प्रेयर को एक ग्रुप में गा रहे होते थे, सुना रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो उसी समय पर मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन किया करती थी, शास्त्रों को पढ़ती थी। ओके, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपने अपने काम को फिनिश कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वो हमें हमारे घर तक फॉलो किया करते थे, पीछे पीछे आया करते थे। कैसे? ग्रोलिंग, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, एक दूसरे से झगड़ते हुए, विद ईच अदर, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातीज के लिए जो हम उनके लिए फेंका करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं अपनी दादी के साथ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि अगले पैराग्राफ से इनकी एक अलग लाइफ शुरू होती है, यानी कि लाइफ में इनकी एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो अगली वीडियो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।